और आपको तस्वीरें दिखा दें, रामनगरी में सरयू जी की आरती की जा रही है। अनुष्ठान के बीच भव्य आरती चल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी राममय, या यूं कहें पूरा देश राममय हो चुका है। और इन सबके बीच 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में ये तस्वीरें रामनगरी में सरयू जी की आरती की, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आरती के साक्षी बनने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या से। दो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं अयोध्या से, सरयू तट से, जहां पर जगमग दीपों के बीच में भव्य आरती समारोह चल रहा है। अनुष्ठान के बीच में ये आरती सरयू तट पर। अयोध्या में तैयार हुए फ्लाईओवर से राम मंदिर की तस्वीर साफ साफ दिखती है, यानी कि राम मंदिर वहीं से दिखता है। संभावना है कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो उनका काफिला इसी फ्लाईओवर से गुजरेगा। इस फ्लाईओवर से भी आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या का ये फ्लाईओवर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट से लेकर राम जन्मभूमि को ये फ्लाईओवर कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और बहुत ही कम वक्त में इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। ये फ्लाईओवर पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया है, गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। लेकिन किस जगह पर ये फ्लाईओवर बनाया गया है, इसको मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊँ कि राइट साइड में ये है अयोध्या धाम, यानी कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। और यहाँ नीचे पटरियाँ गुजर रही हैं और ठीक उसके ऊपर अयोध्या का ये जो फ्लाईओवर है टेढ़ी बाजार, और ये हाईवे से कनेक्ट करता है और सीधा बिल्कुल आपको राम मंदिर से जोड़ता है ये फ्लाईओवर। इसको कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ अलाउड हैं अभी चलने के लिए। और यहाँ से जो राम मंदिर की झलक है आपको नज़र आ रही है, और एयरपोर्ट से जब कोई भी निकलेगा वहाँ पर और राम मंदिर की तरफ जाना चाहेगा, जन्मभूमि की तरफ, तो इस फ्लाईओवर से गुजरते हुए यहीं से झलक राम मंदिर की दिख जाएगी। धुंध है आप देखें इस समय, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा धुंधला आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, लेकिन जब धूप खिली होती है तो पूरी की पूरी तरीके से राम मंदिर की झलक आपको दिख जाएगी। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।